Fine. So how many type of tissues we have discussed till now? Three types. Animal tissues or plant tissues? Animal tissues. What are the tissues till now we have discussed? Epithelial tissue, connective tissue and muscular tissues. Okay. Epithelial tissues, simple. Okay. Connective tissue, complex. And here we have seen a mixture of both. The last type of animal tissue. The last type of animal tissue that we are going to discuss today is nervous tissues. Okay, so we are going to discuss now is nervous tissue. हमने देखा अलग अलग टिश्यू के अलग अलग काम है ठीक है सो मेजरली मस्कुलर टिश्यू वॉज एसोसिएटेड विद मूवमेंट वेर एज कनेक्टिव टिश्यू इज एसोसिएटेड विद कनेक्टिंग वेर एज एपिथेलियल टिश्यू वॉज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिंग एब्जॉर्बिंग एंड सेक्रीशन वो कुछ कुछ अलग काम थे सो बेस्ड ऑन दिस फंक्शन हम देख रहे हैं कि सेल्स को अलग अलग जोड़ा गया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन नर्वस टिश्यू को बनाया गया है विथ रेस्पेक्ट टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन What is that important function? Of responding to the stimulus or gathering the stimulus. Stimulus मतलब surrounding में क्या हो रहा है इसकी जानकारी पाने के लिए nervous tissue काम आते हैं ठीक So, for example, if I am talking, जैसे आप मेरी आवाज सुनते हो आपको समझ में आ रहा है कि कौन बोल रहा है बाहर किसी और की आवाज आता तो हमको समझ में आ रहा है कि कौन बोल रहा है आप we can see object. अगर हमको किसी कोई object दिखता है हवा में उड़ता हुआ उसका एक अगर आसमान में उड़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट दिखता है ट्रायंगुलर शेप का और उसको एक बहुत लंबी सी टेल है तो आप समझ जाते हैं कि ये काइट है क्योंकि हमें दिखता है हमने ये पहले देखा हुआ है ठीक है घर में किचन में घुसते ही क्या खाना बना है स्मेल से हमें पता चल जाता है तो सराउंडिंग में क्या हो रहा है इस चीज को पता करने के लिए इस चीज की जानकारी लेने के लिए टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग वी हैव स्पेशल सेल्स व्हिच हैव कम टुगेदर to form a special tissue which is called as nervous tissue clear so nervous system enables us to respond to stimulus like touch sound odor smell color etc to ye sab ko pehchanne ke liye janne ke liye hame nervous tissue ka kaam aata hai we have already discussed about nervous tissues nervous tissues are also called as nerves the nerves are made up of two types of cells neurons and neuroglia yaad hai neuron and neuroglia neurons are nothing but special nerve cells theek hai to nerves jo rehte hain unke andar special cells paaye jaate hain jinka naam hai neurons we know the shape of neuron yaad hai the shape of neuron ek uska cell body rehta tha aur usko bahut sare hairs rehte hain ye dekha hai na humne diagram pehle aur ek lamba sa tail rehta hai ठीक है और ऐसे ऐसे नीचे सो दे आर गॉट रिमेंबर दिस दिस इज द न्यूक्लियस सो दिस इज द न्यूक्लियस दिस इज द साइटोप्लाज्म दिस टोटल पार्ट इज कॉल्ड एज साइटोन क्या बोलते हैं इसको साइटोन सो दिस इज एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डेंड्राइट्स व्हाट आर दे कॉल्ड डेंड्राइट्स व्हाट इज दिस सेंटर पार्ट न्यूक्लियस This one, cytoplasm. The cytoplasm and the nucleus together are called cytone. ठीक है ये पूरा बॉडी को क्या बोलते हैं साइटोन साइटोन में क्या है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म क्लियर एक लंबा सा पूछ है इसका लंबा सा टेल है विच इज कॉल्ड एक्सॉन ठीक है दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन किसकी बात कर रहे हैं क्या है नर्व सेल ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोन नर्व सेल एक सिंगल सेल है ऐसे बहुत सारे नर्व सेल जब साथ में आके जुड़ जाते हैं सेल जुड़ के क्या बनाते हैं टिश्यूज तो बहुत सारे नर्व सेल जब साथ में आके जुड़ जाते हैं वो बनाते हैं नर्वस टिश्यू सो नर्वस टिश्यूज आर फॉर्म ड्यू टू द जॉइनिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी नर्व सेल्स क्लियर अंडरस्टैंड डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स ऐसे ब्रांचेस रहते हैं जो सिग्नल को कैप्चर करते हैं ठीक है तो अगर मैंने किसी चीज को छुआ तो मेरे यहाँ के जो नर्व सेल्स है उसके डेंड्राइट्स पकड़ते हैं अरे क्या है ये गीला है सूखा है टफ है स्मूथ है वो लेता है तो सिग्नल यहाँ से कैप्चर होते हैं फिर सिग्नल यहाँ से होते हुए न्यूक्लियस से होते हुए ये इधर नीचे आते हैं
ब्रांच से नीचे जाता है, फिर आगे चल के दूसरे को रिले किया जाता है, पास किया था, एक और नर्व सेल को पास किया जाता है, और फाइनली पास हो के कहां तक पहुंचना चाहिए? ब्रेन तक पहुंच जाता है। नर्व सेल कहां पाए जाते हैं? वेयर आर नर्व सेल और नर्वस टिश्यू फाउंड? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल ओवर द बॉडीज। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल ओवर द बॉडीज वी हैव गॉट नर्व सेल। किसी किसी जगह पे नर्व सेल एब्सेंट है, जैसे बालों में, नेल्स, इसके लिए बाल काटते थे अपने को दुखता नहीं है, पता भी नहीं चलता, नेल काटते थे नहीं दुखता, क्यों? नर्व सेल है ही नहीं उधर। नर्व सेल होंगे तब ना उधर, बट अगर उतने ही जोर से नेल कटर लेके मैंने यहाँ पे मारा तो मुझे पता चलेगा, क्यों? क्योंकि वहां से सिग्नल पहुंच रहा है, वो सिग्नल कैप्चर कर रहा है, बट यहाँ पे तो है ही नहीं। बट Understood? So they help in passing signals, electrochemical signals. Clear with this? Now, nerve cells come together to form nerves. So neurons साथ में आके nerves बनाते हैं. Nerve cells हमारे body के सबसे बड़े cells हैं. सबसे बड़े. हमने देखा कि muscle fiber long होते हैं. But ये muscle fiber से भी ज़्यादा long. इतने long हैं कि कोई कोई इनमें से 1 meter तक लंबा हो सकता है। So almost from here till here, 1 meter तक लंबा हो सकता है, इतना बड़ा सेल। Human body में पाया जाने वाला ये सबसे बड़ा सेल है, nerve cells और neurons। कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, but this is the biggest one। Clear with this? Function? Capturing signals from the surrounding, okay? Stimulus. Signal कैसे signal? Smell, sound, odor और कलर, ओके, शेप, ये सब समझने के लिए काम है। साइजेस, फाइन, पॉपुलेशन।